अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान अली लाहौर एजिस्ट्रेट के चैनल से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92301168168। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फेज 7 टी ब्लॉक के मुतालिक। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियल स्टेट से मुतालिक आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। व्यूअर्स, स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया, ये बेसिकली डायरेक्टली अप्रोच थी जो फेज 6 मेन बुलवर्ड से आर ब्लॉक के थ्रू फॉल इन करती है फेज 7 टी ब्लॉक के अंदर, और ये मेन की बैक का एरिया जहाँ से मैंने आपको एंटर किया है। राइट साइड पे आपके डबल डिजिट की नंबरिंग है, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट के पोर्शन में 500-600 की नंबरिंग है, और इसे आगे मजीद आप आते जाएंगे तो आपको जो है वो नंबरिंग नज़र आएगी जो वो 200 की, और उसके नीचे जो है वो 300 और ऐसे 400 तक की नंबरिंग है। और अभी आपको जो मैंने दिखाया लेफ्ट साइड पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं आपके, और आप देख सकते हैं कि उनमें 500-600 की नंबरिंग है। ओवरहेड वाटर टैंक है। राइट साइड पे अब जो नंबरिंग आपके चल रही है वो 200 की है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएगी। टी ब्लॉक का अपर पोर्शन जो है ये बेसिकली मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है 7 टी ब्लॉक, और ये आपको एरिया जो है यहाँ पर आप घर बनाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, वन ऑफ द प्राइमेस्ट ऑप्शन है घर बनाने के लिए फॉर द लिविंग, और इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन चीज़ है जहाँ पर कस्टमर का रुझान ज़्यादा है। ऑब्वियसली वहाँ पर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल होती है, वहाँ पर आपको लॉसेस के चांस तो अब तो इम्पॉसिबल है कि आपको टी ब्लॉक फेज 7 के इस पोर्शन के अंदर कोई लॉस का चांस हो। और मेरे ख्याल से स्टिल ये प्रीमैच्योर है, इसमें अभी भी प्राइसेस आपको 2 से 2.25 की अराउंड मिलती हैं। जो ओवरहेड वाटर टैंक के पास प्लॉट्स हैं वहाँ पर प्राइसेस थोड़ी कम हैं, और जो उसके दूर है वो प्राइम लोकेशन कंसिडर होती है फेज 7 टी ब्लॉक का, ये जो पोर्शन है वहाँ पर जो है वो 2.25 से लेकर 2.25 तक जो आपको बता रहा हूँ वो प्राइसेस हैं। और ये राइट साइड पर मैंने आपको एंटर किया है, ये मिडिल पोर्शन का राइट है, यहाँ पर जो है नंबरिंग वो जो चल रही है वो 200 की है। ये बेसिकली आपको जो नज़र आ रही वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं, और ये ऑलमोस्ट 4 से 5 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं। नीचे यहाँ पर भी राइट साइड पे आपको ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है, इसके साथ डेफिनेटली मेंटेनेंस एरिया भी होगा इसका, जो आप जैसे मैंने आपको बताया ओवरहेड वाटर टैंक के साथ कुछ एरिया DHNS की मेंटेनेंस के लिए भी लिया होता है। यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी, यहाँ पर आपको घर जो है वो ऑलमोस्ट 40% के अराउंड तो मिनिमम नज़र आएंगे, 30-40% कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, और जितने भी घर बने हुए हैं वो ऑक्यूपाइड है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इवन दो आई थिंक बिल्डर का भी रुझान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर भी, और परचेजिंग कर रहे हैं प्लॉट्स की भी। ये जो आपको मैं रोड दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे जो है ये नहरी पानी है, ये बंद नहीं होगा, ये ड्रेन नहीं है, इसको कंसीडर आपने ड्रेन नहीं करना, जिसकी स्मेल हो ये बिल्कुल साफ है। और इसके लेफ्ट पे अब आपको मैं अप्रोच जो दिखा रहा हूँ ये यू ब्लॉक है राइट साइड पे, और मैं आपको नीचे वाले पोर्शन में ले जा रहा हूँ टी ब्लॉक के बेसिकली, और ये बाइसेक्ट करता है ये रोड टी और यू को, और इस रोड के थ्रू आप फेज 7 मेन बुलेवर्ड से फॉल इन डायरेक्टली कर सकते हैं फेज 7 टी ब्लॉक के अंदर और लोअर पोर्शन में जाने के लिए। ये मोस्ट अमेजिंग आप कह सकते हैं कि इसकी अप्रोच है, एक अप्रोच राइट साइड से नीचे आती है, एक लेफ्ट साइड से नीचे आती है। ये जो मैंने आपको दिखाई ये अप्रोच राइट साइड से आ रही है टी ब्लॉक के नीचे, और इसमें राइट साइड पर आपको यू ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पर ये ओवरहेड वाटर टैंक है। ओवरहेड वाटर टैंक के साथ जो है वो आपको 5 मरला की कटिंग नज़र आएगी। 5 मरला की जो कटिंग की बात कर ले, यहाँ पर ऑप्शंस मेरे पास स्टिल अवेलेबल हैं, यहाँ पर रेयर ऑप्शंस निकलती हैं, बहुत रेयर ऑप्शंस निकलती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 या 100 के अराउंड प्लॉट्स हैं, और यहाँ पर कस्टमर होता है क्योंकि यहाँ पर आपको घर बने हुए भी नज़र आते हैं। 5 मरला की ये जो कटिंग है ये वन ऑफ द प्राइमेस्ट कटिंग है 5 मरला की। DHA ने कहीं पे भी इतने सेंट्रली लोकेटेड 5 मरला कटिंग नहीं दी हुई किसी भी ब्लॉक के अंदर। फेज 1-2 आप कंसीडर कर सकते हैं, 8 तक 9 तक B1 बाउंड्री के अराउंड आपको सारी कटिंग्स नज़र आती हैं। 5 मरला ये बेसिकली सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ पर जो रेट्स आपको देखने को मिलते हैं वो तकरीबन कोई 75-80 के हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बाइंग करवा सकता हूँ। आपको मैंने विजिट करवाया, देखिए काफ़ी घर यहाँ पर बने हुए हैं, और इसके नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको ये कमर्शियल है लेफ्ट साइड पर ये टी ब्लॉक का, और इसके राइट साइड पर जो है वो आपको मैंने बताया यू ब्लॉक है। ये रोड यहाँ से थोड़ा सा डैमेज्ड है, DHA इसको रिपेयर कर रहा है, और इसके लेफ्ट पे जो आपको आगे जाकर नंबरिंग नज़र आएगी वो बेसिकली 1100 और 1200 की नंबरिंग है, और राइट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया ये यू ब्लॉक का नीचे वाला पोर्शन है, और इसके अंदर आपको जो नीचे वाले पोर्शन में रेट्स हैं वो थोड़े कम हैं। ये बेसिकली बेहतरीन और खूबसूरत रोड है जो बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है टी और यू को, और आपको मैंने दिखाया था एंट्रेंस पे भी लोअर पोर्शन की कि ये फेज 7 मेन बुलेवर्ड से डायरेक्टली फॉल इन कर रहा है फेज 7 टी ब्लॉक के अंदर।
लेफ्ट साइड पे आपको जो स्ट्रिप्स नजर आएंगी ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर मैंने आपको बताया 1100 1200 की नंबरिंग है और इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन आपको कम नजर आएगी रिलेटिवली। उसकी रीजन ये है कि डीएचए ने इसको जो है वो थोड़ा लेट पोजेशन दिया है, लेट पोजेशन मिलने की वजह से इसमें जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन कम नजर आती है। लेट मीन्स कि इसमें नीचे डिवेलपमेंट थोड़ी लेट की है एज कम्पेयर टू अपर पोर्शन। इसमें ये नहीं आप कह सकते कि डीएचए ने इसको जो है वो बेसिकली डेवलप लेट किया है, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि अपर पोर्शन की निस्बत लोअर पोर्शन को पोजेशन लेट मिला, उसके कंपैरिजन में मैं आपको लेट कंसीडर करवा रहा हूँ इसको। और इसमें लेफ्ट पे जो आपको मैंने ऊपर स्ट्रिप्स दिखाई थी वहाँ पर जो है वो रेट आपको जो देखने को मिलते हैं वो तकरीबन कोई 60 से 65 70 तक भी रेट्स जाते हैं। और ये नीचे वाले एरिया में लेकर आया हूँ, ऊपर 1100 की नंबरिंग थी, ये जो है ये बेसिकली आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी नजर आएंगी और वर्टिकल स्ट्रिप्स लेफ्ट पे भी नजर आएंगी। यहाँ पर 1200 की नंबरिंग है और इस नंबरिंग में आपको जो है वो प्लॉट जो है थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको शायद 55 में भी प्लॉट मिल जाए और सामने आपको टी ब्लॉक का कमर्शियल भी नजर आ सकता है। और ये CCA4 जिसको कंसिडर करते हैं, ये नीचे का 70 फीट रोड है जो 10 मरला और लेफ्ट पे है और राइट पे जो है वो आपके टी ब्लॉक का 1300 के नंबरिंग है। प्ले ग्राउंड का एरिया भी ऊपर मैंने आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स के साथ जो एरिया था वो बेसिकली प्ले ग्राउंड का एरिया है। आपको यहाँ पर ये स्ट्रेट मेन बुलेवर्ड जो नजर आ रहा है 70 फीट का ये रोड है जो 7 को और आप कंसिडर कर सकते हैं टी और यू को आपस में जो है वो कनेक्ट कर रहा है। व्यूवर्स इसके मुतालिक आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी असेसमेंट चाहिए हो, आपकी कोई भी इंक्वायरी हो फेस 7 के इस पोर्शन के मुतालिक टी ब्लॉक से, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है +9230116816888। थैंक यू व्यूवर्स।